वेलकम बैक टू कल आर्ट गाइस। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने जो हर्बल फ्लेवर्स है उनको इतना सपोर्ट किया, जिनके अंदर कोई टबैको नहीं है, कोई निकोटीन नहीं है, नो हेड ईटिंग, नो थ्रोट चोकिंग, मतलब गले में लगना, सर पे चढ़ना, सर घूमना, चक्कर आना, विदाउट निकोटीन, विदाउट टबैको आप अब हुक्का का एक्सपीरियंस कर पाएंगे एवरीवेयर। जो कि आज मैं आपके लिए फ्लेवर लाया हूँ वो है बर्फीला पान। जो पान लवर्स हैं, ठंडा पान पीना पसंद करते हैं, उनके लिए इससे बेस्ट फ्लेवर आज तक इंडियन मार्केट में नहीं है, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। इतनी बेस्ट क्वालिटी फ्लेवर है ये, और मैंने खुद ट्राई किया तो ही मैं आप सबको ये सजेशन दे रहा हूँ। बर्फीला पान इज द बेस्ट पान इन दी मतलब इंडिया में, तो मैं भी कह ही सकता हूँ क्योंकि इंडिया का फ्लेवर है, बहुत शानदार चीज़ है। तो अब तक का मुझे सबसे बेस्ट पान लगा, एकदम ठंडा और एकदम प्यारा स्वीट, बिल्कुल गले में नहीं लगता है, एकदम ठंडा स्मोक आपको मिलता है। समर के लिए भी बेस्ट है, विंटर्स में मिक्सिंग के लिए भी बेस्ट है, जो पान मिक्स करके फ्लेवर्स बनाना चाहते हैं उन सबके लिए एकदम बेस्ट है, विदाउट टबैको, विदाउट निकोटीन। और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये साथ में यूज़ करने वाला हूँ सिलिकॉन चिलम, क्लाउड, शीशा स्टार्टर अपनी चिलम को स्टार्ट करने के लिए। तो ये फ्लेवर एकदम रेड कलर का होता है, वो भी मैं आपको चिलम बनाऊंगा तो दिखाऊंगा हर चीज़। तो आज मैं आपको हुक्का लॉर्ड की तरफ से लेके आया हूँ गोल्डन क्रिस्टल हुक्का। तो बहुत शानदार हुक्का है, एकदम क्रिस्टल राजा नाम है इसका, द क्रिस्टल किंग आप बोल सकते हैं। तो बहुत शानदार हुक्का है, हुक्का लॉर्ड की तरफ से आपको ये हुक्का मिलने वाला है, इन इंडिया बेस्ट क्वालिटी। तो ये इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है इस हुक्का के साथ। तो सबसे पहले मिलती है हमें इसकी स्टेम। तो इसकी स्टेम पर आपको हुक्का लॉर्ड का लोगो मिल जाएगा दोनों साइड्स पर, आप देख सकते हैं ये दोनों साइड गोल्ड कलर की स्टेम है इसकी, और बहुत हैवी है, देखिए बहुत हैवी चीज़ है। उसके बाद आपको मिलने वाली है इसकी जो है वो है बेस, तो इस टाइप का बेस आपको इसका मिलने वाला है, बहुत हैवी बेस है, क्रिस्टल क्लियर बेस है, ट्रांसपेरेंट है। जब आप इसमें स्मोक करेंगे तो आपको पूरा जो स्मोक है, धुआं जो भी भरता है वो आपको इसमें नज़र आने वाला है, बहुत शानदार एक्सपीरियंस है। और क्या डिज़ाइनर है इस पर देखिए आप, बहुत डिज़ाइनर एकदम बेस है, काफ़ी क्लासी चीज़ लगती है जब आप इसे लॉन्च में या अपने घर पे देंगे, पिक्चर्स अपलोड करेंगे तो बहुत क्लासी चीज़ लगेगी। उसके बाद इसका पाइप मिलता है हमें, पाइप के साथ ही नोजल्स मिलती हैं और रबर्स जो हमें रिक्वायरमेंट है जिसे बाहर रखते हैं। उसके बाद मिलती है हमें इसकी स्टेम, ये मैं आपको लास्ट में ओपन करके दिखाऊँगा। ये इसकी पाइप है जो डिप होती है वाटर के अंदर, इसके अंदर, तो ये भी गोल्ड कलर में आपको मिल जाती है, एल्यूमिनियम की है, इस पर कोटिंग हुई हुई है गोल्ड, ये एल्यूमिनियम बेस्ड है, रस्ट फ्री है, ये जो स्टेम है पूरी रस्ट फ्री है, पूरी एल्यूमिनियम बेस्ड है। ये इसकी प्लेट आपको मिलने वाली है गोल्ड एकदम, ये काफ़ी अच्छी प्लेट है, हैवी है। एंड इसकी चिलम आपको मिलती है टेराकोटा, इसका नाम है टेराकोटा, ये देखिए ये काफ़ी डिफरेंट टाइप की चिलम है, मिट्टी की, जिसके साथ इंडिया में मिल रही है, शायद फर्स्ट टाइम ही किसी ने देखी होगी, देखिए इस टाइप की चिलम आपको इसमें मिलने वाली अलग है। और साथ में मिलता है इसके एकदम हैवी सा टांग, तो टांग भी इसका डिफरेंट है एकदम, ये देखिए इस टाइप से टांग इसका मिलने वाला है, साथ में फ्री है। जो भी इम्पोर्टेड हुक्का आप हुक्का लॉर्ड से देखते हैं या उसकी जानकारी लेते हैं, उन सब में आपको मैं इम्पोर्टेड टोंग ही दिखाता हूँ, और टोंग इंडियन हुक्के के साथ नहीं आता है, इसकी रिक्वायरमेंट अभी हमें नहीं है और इसकी भी नहीं है क्योंकि हम अपनी चिलम यूज़ करेंगे और सामान से रख लेते हैं। उसके बाद मैं खोलता हूँ इसकी पाइप को, आपको दिखाता हूँ इसकी पाइप कैसे। तो गैस मैं तब तक हीटर ऑन कर लेता हूँ ताकि कोकोनट कोल एकदम अच्छे से बर्न हो जाए। तो इसके बाद इसकी जो चीज़ें हैं सफाई के रखते हैं, एक ये में जाना, इसका इसके अंदर डाल देते हैं। और इसकी स्टेम का भी अब आपको दिखाई देता हूँ मैं क्या है, मेन पार्ट इसकी स्टेम है जो क्रिस्टल राजा इसका नाम रखा गया। तो ये इसको ओपन कर लेते हैं एक बार, पूरा फुल पैक्ड आता है ये इसका, मुझे कटर की नीड होगी तो इसको ओपन कर देते हैं। तो ये देखिए स्टेम का डिज़ाइन इतना शानदार है, पूरी क्रिस्टल की स्टेम है ये देखिए, शायद ही ऐसा हुक्का इंडिया में किसी ने देखा होगा, शायद ही किसी ने ऐसा डिज़ाइन देखा होगा हुक्के का, क्रिस्टल में है पूरा, एकदम क्रिस्टल बेस्ड हुक्का है और बहुत हैवी है, एकदम क्लासी चीज़ है एकदम, मतलब कहीं रखा हुआ होगा ना तो बंदा कहेगा कि हाँ भाई कोई चीज़ है। तो इसके बॉक्स को साफ करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट
इसके बॉक्स को हम साइड रखते हैं, उसके बाद बताता हूँ मैं इसकी पाइप के बारे में। तो गाइस इसकी पाइप जो आपको मिलने वाली है वो इस टाइप की है, एक्रेलिक हैंडल्स है और वेलवेट का कवर चढ़ा हुआ है इसके ऊपर। उसकी पाइप की लेंथ 5.5 से 5-10 फीट के करीब होगी आराम से, तो काफ़ी अच्छी पाइप है इसकी। एक्रेलिक में आपको है दोनों हैंडल्स मिल जाते हैं, जब आप स्मोक करेंगे तो यहाँ पे भी रहेगी, तो यहाँ पे आपको स्मोक नज़र आएगा इसके अंदर, काफ़ी अच्छी पाइप है। और उसके साथ आपको दो माउथ पीस मिलते हैं जो आप इसके आगे फ्रंट पे लगा के स्मोक कर सकते हैं अगर दो लोग हैं। ये इसके पाइप की रबड़ है जहाँ पे इसका पाइप लगता है लाइक इस साइड। तो आइए बिना किसी बात के जल्दी से सुखा को रेडी करके बताता हूँ आपको। तो ये इसका अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट को आपको असेंबल करना है यहाँ पर। तो ये इसका असेंबल हो गया, इसका फ्लो बहुत शानदार होगा 100%, क्योंकि इसकी पाइप जो है ना इसकी वो बहुत ही शानदार है। तो पाइप को लगाते हैं इसके ऊपर। तो गाइस एकदम शानदार चीज होने वाली है ये, मतलब मेरा बहुत मन है यार इसको पीने का। तो काफी टाइम से था ये हुक्का मेरे पास, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया इसका। तो ये इसको हम इंसर्ट करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले भर लेते हैं अपना पानी, तो वाटर लेवल का ध्यान रखें आप। तो इसमें इतना पानी आई होप सो बहुत रहेगा। यस हाँ, इतना पानी बहुत है। तो ये इसको लगा लेते हैं हुक्के को ऊपर। तो ये हुक्का एकदम बेस्ट फिटिंग में बैठ गया है, वाटर लेवल एकदम एक्यूरेट है, कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। उसके बाद खानी है इसकी प्लेट, तो ऐसे ओपन कर लें यहाँ से, उसके बाद रखें प्लेट को एंड ये नट लगा दें। देख सकते हैं एकदम अच्छे से लग गया। देन आपको ये रबर लगाने की ज़रूरत है या नहीं चेक करते हैं एक बार। ज़रूरत तो नहीं है वैसे तो, क्योंकि फिक्स हो गई है, लेकिन फिर भी आप लगा लीजिए, कोई इससे प्लेट आपकी फिक्स्ड रहेगी, ये आपकी प्लेट एकदम हिलेगी नहीं फिर। और ये इसके ऊपर चिलम आप मजबूती लगा सकते हैं, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं रबर को, ज़्यादा नीचे चली गई, बाकी चिलम को बिठाने में दिक्कत ना, अब एकदम बेस्ट है। तो आइए इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं, पाइप की रबड़ आपको लगानी है यहाँ पर, पाइप साइड रखते हैं, भरते हैं इसमें अपना फ्लेवर। तो गाइस मैं एकदम रेड कलर का फ्लेवर यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही शानदार फ्लेवर है बर्फीला पान। ये बर्फीला पान फ्लेवर जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ एग्जॉस्ट कंपनी का है, बहुत शानदार। जैसे कि आपने बदमाश को इतना पसंद किया, ऐसे ही बर्फीला पान है ये, जिन जो पान लवर्स हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है, और बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले मुझे इसके। तो मैं फ्लेवर इसमें भर लेता हूँ, फोक यूज़ कर रहा हूँ गाइस ये वाला, ताकि आपके हाथ गंदे ना हो। सॉरी हो जाता है कभी कभी। तो इसमें फ्लेवर हमने लगा लिया है, एकदम पिसा हुआ बारीक फ्लेवर है गाइस ये। इसको आपको काटने की चॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, सीधा आप अपने चिलम में लगाइए और स्मोक कीजिए, कोई इसके अंदर फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है। तो चिलम के साइड्स में मैंने फ्लेवर लगा लिया है एकदम अच्छे से, ठीक है। तो अब इसके ऊपर अपने फसाना अपना क्लाउड, तो क्लाउड आप देख लीजिए इस टाइप से, आप मैंने यहाँ रखा सिलिकॉन चिलम को नीचे रखा, ये क्लाउड इसमें फंस गया, तो सबसे बेस्ट है। आइए इसको रख देते हैं साइड। अब मैं कोकोनट कोल यूज़ कर रहा हूँ गाइस, जो इंडोनेशियन कोल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कोल है हमारे पास। तो इसके 3 पीस यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो कि वीडियो के लिए बहुत है। तो इसको रख लेते हैं यहाँ पर, हीटर को कर देते हैं ऑफ। तो मैंने इसमें 3 पीस कोल डाल लिया है, इसको क्लोज करते हैं क्लाउड को और यूज़ करते हैं अपना शीशा स्टार्टर, बहुत शानदार है। आइए इसको ऑन करते हैं। देख सकते हैं आप, काफी लोगों के माइंड में एक मिथ था गाइस कि जो हर्बल फ्लेवर है उसका स्मोक नहीं आता है। तो आप रेडी करते टाइम ही देख लीजिए कितना स्मोक है, और मैं आपको दिखाता हूँ सुखे का स्मोक। हम चिलम को पहले असेंबल कर लेते हैं इसके ऊपर, तो ये चिलम हमारी फिट हो गई है। तो सुखा करते हैं साइड थोड़ा सा, और पाइप को लगाते हैं हुक्का पर यहाँ पर। तो इस पाइप का फ्लो भी बहुत अच्छा है, आप इसके साथ सिलिकॉन पाइप भी ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते, जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो। तो ये गाइस इसका मैं आपको फर्स्ट ड्रैग लेके दिखाता हूँ कि कैसा स्मोक है। और फ्लेवर का टेस्ट एकदम चिल्ड आ रहा है,
लाइक पीते पता चल रहा है कि एकदम चिल्ड चिल्ड बर्फीला पान पी रहा है कोई, मतलब जैसा नाम है वैसा फ्लेवर भी है, बर्फीला पान, तो पान की ठंडक और उसका टेस्ट एकदम प्रॉपरली आ रहा है। लाइक हर्बल फ्लेवर बेस्ट होता है मेरी तरफ से, सर पे हिट नहीं करता है, बिल्कुल शानदार चीज़ है, एकदम लाइट चीज़। लाइक किसी लड़की को पीना है, गर्ल्स वुमेन घर में पार्टी है, गेट टुगेदर है, तो आप स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं पी सकते हैं क्योंकि बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, तो हर्बल फ्लेवर यूज़ करना सबसे बेस्ट रहता है हम की गेट टुगेदर में एंड वुमेन्स पार्टी है, किटी पार्टीज हैं, तो आप लॉन्जेस में भी ये फ्लेवर अवेलेबल है एग्जॉस्ट का हर्बल। तो काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं इसके अंदर, बाय वन मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता रहूँगा। तो आइए एक बार इसका एक और ड्रैग लेके देखते हैं कैसा है इसका स्मोक, और ये देखिए कितना शानदार तरीके से इसमें स्मोक भर गया है। देखिए तो एक बार ड्रैग लेके देखते हैं इसका फर्स्ट, तो आप देख सकते हैं कितना शानदार स्मोक है सूखे का। और सबसे शानदार चीज मुझे लगी इसकी क्रिस्टल की लुकिंग, लाइक अगर आप कहीं बैठे हैं और आपके पास एक रॉयल सा हुक्का हो ना तो शानदार, एक मतलब बंदे की बातचीत भी अलग से लगती है नहीं, तो फुल शानदार चीज़ है ये, बहुत ही अच्छा लगा मुझे हुक्का, जिसका रिव्यू किया हुक्का लॉर्ड ने आप सबके लिए। तो गाइस अगर आपको इस हुक्के की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से ले सकते हैं इसकी किसी तरह की जानकारी, चिलम क्लाउड की, पाइप की, तो काफ़ी। और इंस्टाग्राम को फॉलो अगर नहीं किया है तो उसे ज़रूर फॉलो करें, सारी डील्स और सारी पिक्चर्स आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। और आपको जिस हुक्के की जानकारी चाहिए हो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर भेज सकते हैं, ताकि हम उस हुक्के की आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा सकें कि उसको कैसे बनाना है, क्या क्या फीचर्स हैं हुक्का के अंदर, और सबको रिप्लाई किया जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, काफ़ी सारे मैसेजेस होते हैं। तो बाकी थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड ऑन हुक्का लॉर्ड, तो बहुत शानदार हुक्का है, देखते रहिए नए नए हुक्का की वीडियोज ऑन हुक्का लॉर्ड, आपका अपना हुक्का लॉर्ड। तो इसमें एक बार रिंग्स बना के दिखाता हूँ मैं आपको, सब देख सकते हैं कितना डेंस स्मोक है। तो ये गोल्डन राजा जो है हमारा, गोल्डन राजा छाया जाएगा भाई, छाया जाएगा, बहुत जबरदस्त हुक्का है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें अगर आपको थोड़ा लुकिंग में हुक्का बेस्ट चाहिए तो इससे शानदार हुक्का नहीं है। और इसका फ्लो भी बहुत अच्छा है, एल्यूमिनियम की रॉड है इसमें पूरी ऊपर से लेके नीचे तक, तो काफ़ी रस्ट फ्री भी है हुक्का, लेकिन इसको मतलब क्लीन रखें एकदम अच्छे से पूरा, क्योंकि गोल्ड कलर है, थोड़ा सा केयर ऑफ ज़्यादा होती है गोल्ड कलर की, तो आप इसे गीला ना करें ज़्यादा, खाली बेस को वॉश करें, इसको नॉर्मल कपड़े से आप साफ कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत शानदार हुक्का है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू।